में क्या डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कीबोर्ड एट अ लॉस ऑफ 10% एंड 19% इज ₹27। देखिए कीबोर्ड उसका क्या सेलिंग प्राइस का जो रेशियो मतलब कि डिफरेंस दिया वो कितना दिया है, 27 रुपीज़ दिया है। वो कब का दिया है, जब क्या होता है 10% लॉस होता है, और दूसरा कंडीशन क्या दी है, जब 19% क्या होता है लॉस होता है। ठीक है, इनका क्या दिया रेशियो मतलब कि डिफरेंस क्या दिया है, 27 दिया है। तो बताना क्या है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। देखिए सिंपल है, अब देखिए 10% मतलब मान लीजिए जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी कीबोर्ड की वो क्या थी, 100% थी। ठीक है ना, पहले केस में क्या हुआ है, 10% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो 10% का अगर लॉस हुआ है, ठीक है, ठीक है लॉस हुआ तो कितना बचेगा, 90%। ठीक है 90%। अब दूसरे केस में क्या हुआ है, दूसरे केस में क्या हुआ है, कितने 19% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, तो 19% का लॉस हुआ तो कितना बचेगा, 100 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 81 बचेगा। ठीक है, तो 81%। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका, 9 है। ठीक है, 9% का डिफरेंस है। इसकी वैल्यू किसके बराबर दी है, इसकी वैल्यू दी है किसकी, 27 रुपीज़ के बराबर दी है। ठीक है, अब वो कॉस्ट प्राइस पूछी थी, कॉस्ट प्राइस क्या मानी है अपन ने, 100% मानी है। तो बस सिंपली सॉल्व कर दीजिए, 9% इक्वल टू क्या, 27। ठीक है, तो 100% इक्वल टू क्या आएगा, देख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ से क्या होगा आपका, 9% से परसेंट कैंसिल, 9 1 जा और 9 3 जा। ठीक है, तो 100 इसमें इंटू होगा तो x इक्वल टू कितना आएगा, 300। जो कॉस्ट प्राइस है उस कीबोर्ड की वो कितनी है, 300 रुपीज़ है। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 300 रुपीज़ आएगा।